YouTube चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे 20th मई के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है डेफ ओलंपिक्स 2022। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेफ ओलंपिक्स 2022। सबसे पहले तो ये कहाँ पर करवाया गया है? ये करवाया गया है इन ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी रियो में करवाए गए हैं डेफ ओलंपिक्स। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका मास्कोट क्या रहा? मास्कोट मतलब चिन्ह का क्या रहा? तो चिन्ह रहे नीनो, चिन्ह रहा नीनो। और थीम क्या रही इस डेफ ओलंपिक्स की? थीम रही गेम रिमेन्स इन आर हार्ट। गेम्स हमारे हृदय में रहते हैं, ये थीम रही डेफ ओलंपिक्स 2022 की। और पहले नंबर पर कौन रहा? पहले नंबर पर किस कौन सी कंट्री रही? वो रही यूक्रेन। कितने मेडल्स के साथ? 138 मेडल्स के साथ यूक्रेन ने टॉप किया है डेफ ओलंपिक्स में। और सेकंड नंबर पर रही यूएसए। और हम के कौन से नंबर पर रहे? हम रहे इंडिया वाले 9th नंबर पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया का रैंक कौन सा था? तो इंडिया का रैंक 9th रहा। और कितने मेडल्स के साथ? 16 मेडल के साथ, जिसमें हमने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 ब्रोंज मेडल जीते। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 ब्रोंज विद 16 मेडल्स और रैंक रहा 9। और अच्छा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का क्या रहा मास्कोट? तो वो रहा वीरा। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स, उसका मास्कोट है धाकड़। और विंटर ओलंपिक्स का, वो रहा ड्वेंग ड्वेंग। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन डे ऑन 17th ऑफ मई को। पहले तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशंस डे अलग अलग थे, बाद में इसको मर्ज कर दिया गया और ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 17th ऑफ मई को। क्यों किया जाता है? इंफॉर्मेशन और टेलीकम्युनिकेशन सही होने चाहिए और सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए कस्टमर्स को और लोगों को। इस डे का मेन मोटिव रहता है। अगर बात करें हम इम्पोर्टेंट डेज की, तो 9th ऑफ जनवरी को हम कौन सा डे मनाते हैं? NRI डे। और 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे। 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे। 13th फरवरी नेशनल वुमेन्स डे। 29 जुलाई इंटरनेशनल टाइगर्स डे। 31st मई एंटी टोबैको डे। 1st ऑफ मई इंटरनेशनल लेबर डे। 8th ऑफ मई रेड क्रॉस डे। और 24 ऑफ अप्रैल मलेरिया डे। हमारा अगला क्वेश्चन है एंटी शिप मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने एंटी शिप मिसाइल का सक्सेसफुली परीक्षण किया है। क्या है एंटी शिप मिसाइल? तो वो है शिप से पहली बार कोई इंडिजिनियस, मतलब इंडिया में बनी हुई मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मतलब पहली बार किसी शिप से कोई मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है फ्रॉम चांदीपुर उड़ीसा। चांदीपुर उड़ीसा से पहली बार किसी शिप
में से किसी मिसाइल का सफल परीक्षण किया और इंडिजिनस है मतलब इंडिया में बनने वाली है, और किसने किया है? डीआरडीओ ने किया। अगर डीआरडीओ की बात करें तो फुल फॉर्म है इसकी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 1958 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और इस समय चेयरमैन है जे सतीश रेड्डी, और इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। हमारा अगला क्वेश्चन है, हसन शेख महमूद बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ सोमालिया। सोमालिया कंट्री के नए राष्ट्रपति बने हैं और उनका नाम क्या है? हसन शेख मोहम्मद राष्ट्रपति बने हैं सोमालिया कंट्री के। कौन सी कंट्री है ये? अफ्रीकन कंट्री है। और क्या है राजधानी? मेगाधीशु राजधानी है सोमालिया कंट्री की। अच्छा, सोमालिया जो कंट्री है एक वन ऑफ हॉर्न कंट्री है, वन ऑफ हॉर्न कंट्री ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। क्या है मतलब इसका? आप सभी को पता होगा कि जो अफ्रीका का कुछ नक्शा कुछ इस तरह है, और चार कंट्रीज इस हॉर्न में बसी हुई है और उनको हॉर्न कंट्रीज कहा जाता है। कौन सी चार कंट्रीज हैं? सबसे पहली आती है इरिट्रिया, सेकंड है जिबूती, थर्ड इथोपिया और फोर्थ है सोमालिया। इनको हॉर्न कंट्रीज कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चेयरमैन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज एसएस मुंद्रा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन बनाए गए हैं, उनका नाम है एसएस मुंद्रा। अगर बात करें स्टॉक एक्सचेंज की सबसे पुरानी कंपनी कौन सी है स्टॉक शेयर मार्केट में, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और 1875 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। और कौन सा ये रिपोर्ट निकालती है? तो ये सेंसेक्स निकालती है। 1991 के जो स्कैम हुआ था, 1992 का स्कैम, उसके बाद सेबी की स्टैब्लिशमेंट की गई थी। सेबी को एक स्टैटूटरी बॉडी बना दिया गया था आफ्टर द स्कैम ऑफ 1992 जो हर्षद मेहता ने किया था। उसके बाद सेबी को एज ए स्टैटूटरी बॉडी बना दिया गया, और ये भी स्टॉक मार्केट को ही रेगुलेट करती है सेबी। और कौन नई चेयरमैन बनी है सेबी की? माधवीपुरी, अजय त्यागी की जगह ली है इन्होंने, और सारथी ऐप भी लॉन्च की है सेबी ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया जमाइका मैत्री पार्क। इंडिया जमाइका मैत्री पार्क का इनॉग्रेशन किया है रामनाथ कोविंद ने। सबसे पहले तो पहले राष्ट्रपति है जो जमाइका कंट्री में गए हैं, और उन्होंने वहां पर इंडिया जमाइका मैत्री पार्क का उद्घाटन किया है। इंडिया जमाइका मतलब उनकी फ्रेंडशिप को दर्शाता है ये पार्क दर्शाएगा, और पहले राष्ट्रपति बने हैं जो जहां पर गए हैं जमाइका में। कंचनकूला टू रीच माउंट एवरेस्ट। कंचनकूला पहली गैर नेपाली बन गई है जो माउंट एवरेस्ट पर 16वीं बार जिसने रीच कर लिया है वो गैर नेपाली बन गई है। कौन बनी है? केंटन कूल बन गए हैं, और कहाँ के रहने वाले हैं? ये यूके के रहने वाले हैं, पहले गैर नेपाली जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को कितनी बार क्रॉस कर लिया है? 16वीं बार। और अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें तो 8848 इसकी टोटल लेंथ है, और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमाथा। और नेपाल की राजधानी काठमांडू। एशिया की और पूरे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। अगर अफ्रीका की हाईएस्ट पीक बोले तो वो आती है किलिमंजारो, और अगर यूरोप की बात करें तो वो आती है एल्बरूस। हमारा अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा बीट्स कर्नाटका।
उड़ीसा ने कर्नाटका को हरा दिया, तो वो हरा दिया है। 12वां एडिशन हुआ है नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का, वुमेन्स का, वुमेन का, सॉरी यहाँ ये फोटो भी गलत लग गई है। नेशनल हॉकी चैंपियनशिप वुमेन्स का 12वां एडिशन करवाया गया, और जहाँ पर ओडिशा ने किसको हरा दिया है, कर्नाटका को। अभी अभी थॉमस कप किसने जीत लिया इन बैडमिंटन, वो इंडिया वालों ने जीत लिया इंडोनेशिया को हराकर। उबेर कप जीत लिया है साउथ कोरिया ने, ये भी बैडमिंटन का कप है। तो आज के सेशन हमारे यहीं पर समाप्त होता है। बाय बाय।